अब देखो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और पॉइंट वो कहता है कि, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, कि जो फ्लोरीन होगा स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा, क्योंकि SiF6 का मतलब ये कंजेस्टेड हो गया। देखो A1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर इनका बड़ा साइज हो गया, बड़ा साइज हो गया, छोटा साइज है, तो ये एडजस्ट हो जा रहा है, देखो इसमें रिपल्सन कम हो जा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैंने क्या किया, क्लोरीन को रख दिया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी, अब 6 क्लोरीन, अब क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ऐसे बीआर नहीं बनेगा, इसका साइज बड़ा है देखो। अब ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये नहीं बन पाएगा, तो इसलिए नहीं बनता। अगर यहाँ पे मैंने कहा बीआर तो बिल्कुल नहीं बनेगा, मैंने कहा आयोडीन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसका तो और भी बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो बी आर और आई तो बिल्कुल नहीं बन सकते, लेकिन वो कह रहा है सी एल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि सी एल का साइज भी इतना बड़ा होता है कि रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। एक और पॉइंट वो कहता है कि जो एफ होता है उसका साइज छोटा होता है, तो जो एस आई और एफ के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, एस आई और एफ के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि छोटा साइज होता है, लोन पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, होगा कि नहीं होगा। आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, तो जो एस आई है, बताओ किसके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एक एस आई एफ और एक एस आई सी एल, इन दोनों में से कौन सर मजबूत एस होगा? आई एफ के ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाँ, एस आई एफ का ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गया, ये वीक हो गया, तो एक और रीजन ये है कि वीक होने की वजह से जल्दी टूट जाएगा। ठीक, तो ये रीजन है, इसे लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सोचना क्या है, 1 मिनट सोचो। यस सर डन। सोच लिया? यस सर। हाँ बताओ क्या हो सकता है इसका वो रीजन? सर डायमंड, वो क्या बोलते हैं, डायमंड का जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, और इसमें कार्बन बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्गली होते हैं बॉन्डेड, हाँ हाँ देयरफॉर इसको थोड़ा हाई हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए, ब्रेक डाउन हाँ होने के लिए बॉन्ड्स हाँ को। जैसे जो अभी हमने बताया था ना, सेम जो उससे पहले वाला था कि 3 डायमेंशनल यस सर। नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो जो कार्बन होता है वो ऑल कार्बन एटम, क्या होता है, कार्बन एटम ऑल 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होते हैं। इसमें sp3 का मतलब 1 कार्बन एटम इज कनेक्टेड बाय ऑल 4 कार्बन एटम, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, ये स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, इसको डिफिकल्ट टू, इस बॉन्ड को क्या होता है, डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। जब इसको ब्रेक डाउन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है। तो सेम रीजन है जो अभी हमने किया था। तो अभी मैंने जितने अभी क्वेश्चन और दिए हैं अभी तक आपको, कितने इसमें 16, 18 के आसपास है ना, तो अभी यस हम सर। करेंगे 10 तक। ठीक, तो अभी आपको इसके बाद ये पूरे करने यस हैं, सर। इसके बाद जो आपके बचे हुए हैं इसको आप पूरे करके देखो और मुझे भेजो रिटर्न वाले में ना। यस सर। हाँ, फिर मैं देखता हूँ अगर कहीं पे गलती या कहाँ पे आपने मिस्टेक की है तो उसको फिर हम सॉल्व करते, तो मैं आंसर की भी भेजता हूँ आपको, ताकि और इसके अलावा मैं आपको एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आंसर करा दूंगा इसमें। हाँ, ओके सर। तो अब ये 7 के बाद आते हैं हम 8 क्वेश्चन पे, 7 के बाद पहुंचते हैं, ये समझ, ये तो हो गया था ना, आगे बढ़ जाऊं?
यस सर। अब एट क्वेश्चन क्या, देखो, कंसीडर द कंपाउंड बी सी एल थ्री एंड सी सी एल फोर, हाउ विल दे बिहेव विद वाटर। अगर वो कह रहा है कि अगर हमने क्लोराइड ऑफ बी सी एल थ्री को हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, तो अगर मैंने यस इसको सर। वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या बिहेव करेगा, और सी सी सर एल बी सी फोर एल को, थ्री बिहेव करता है और सी सी एल फोर बिहेव नहीं करता। हाँ ये बिहेव नहीं कर पाएगा और ये बना देता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बना देता है बोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, कई बार इसको ऐसे लैंग्वेज में चेंज कर देता है, BOH का होल थ्राइस, ध्यान रखना क्योंकि लिखने का में फर्क पड़ जाता है। देखो ये होता है H3BO3, या फिर H जहां पे Cl है ये Cl को हटाएगा और OH लग जाता है इसमें, ठीक है, तो जहां पे सी एल है उसको हटा के ओ एच लग जाएगा, तो ये होता है बी ओ एच का होल थ्राइस या H3BO3, ये है आपके पास, और या फिर सी सी एल फोर यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, तो पहले रिएक्शन लिख लो, बी सी एल थ्री प्लस एच टू ओ गिव्स एच थ्री बी ओ थ्री प्लस एच सी एल, ये एच जो निकलेगा इससे वो इस सी एल के साथ जाता है और एस सी एल बना देता है, तो ये रिएक्शन हो गई, तो बी सी एल थ्री प्लस एच टू ओ गिव्स गिब्स क्या हो जाएगा, एच थ्री बी ओ थ्री एंड एस सी एल। अब इसमें क्या होता है, वो कहता है कि ओके सर। हाँ, अब ये कहता है कि जो बोरोन होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करता है, इजिली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इजिली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, फ्रॉम वाटर से, तो इसीलिए हाइड्रोलाइज हो जाता है फ्रॉम वाटर, ओके सर। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो बी सी एल थ्री अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, तो ये जल्दी से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, ठीक, लेकिन अगर जहां तक हम करें सी सी एल फोर की बात, तो अब ये तो क्या है फुली, ये इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सी सी एल फोर में क्या देखो, वन सी एल टू थ्री फोर, इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल यानी ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और इसके पास जो कार्बन होता है इसमें होता है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, ठीक है, तो जब इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना लूज करेगा, ठीक है, तो ये नाइदर एक्सेप्ट नॉर लूज इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना ही डोनेट या लूज करेगा, ठीक है, नाइदर एक्सेप्ट नॉर नॉर डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ना तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, इसीलिए ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, प्लस एच टू तो नो रिएक्शन, तो ये इसका रीजन हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो डेफिशिएंट होने की वजह से इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वाटर, और इसीलिए बी सी एल थ्री अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और रिएक्शन मैंने आपको लिखा दी, जबकि सी सी एल फोर क्या होता है, फुली फिल्ड हो गया क्योंकि इसके पास एट इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है, कार्बन में अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, तो कार्बन नाइदर एक्सेप्ट नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसलिए कैन नॉट हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, ओके सर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अकाउंट, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें, देखो अकाउंट वाला, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसमें, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, कि राइट टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द आयनिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं जिससे आयनिक रेडियस है जो इन्फ्लुएंस होगा, अफेक्टेड हो जाएगा,
तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट नहीं करता, कौन करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव का मतलब होता है एक्चुअल में, जैसे सपोज करो कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है तो जो पढ़ा रहा है लेकिन कितना आया वो इफेक्टिव होता है ना, एक्चुअल में कितना हुआ। ठीक है, अगर आप कोई काम करोगे तो आपको कहा जाएगा कितना आपने नेट प्रॉफिट हुआ या आपको कितना लर्न हुआ, आप सुबह से शाम तक पूरा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्या होगा कि बोलेंगे इफेक्टिव कितना, यानी एक्चुअल में आपने कितना याद किया या आपको कितना आपने एक्चुअल में गेन किया, वही तो इफेक्टिव होता है। ठीक है, इफेक्टिव मेन होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना सर इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यस सर, साइज छोटा हो जाएगा, आयनिक रेडियस स्मॉल होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेन, जो एक्चुअल में लग रहा है। ठीक है, और एक दूसरा जो फैक्टर होता है वो आता है आपका, सेकेंड फैक्टर इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, अब बताओ अगर मैंने शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा दिया तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ गया तो आयनिक रेडियस बढ़ेगा या कम होगा। सर बढ़ेगा आयनिक रेडियस। शील्ड का मतलब रोकना, अगर आपने न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा था, जैसे न्यूक्लियस ये है, ठीक है, अब ये न्यूक्लियस यहाँ से इसको फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन आपने यहाँ से क्या किया, शील्ड कर दिया, रोक शील्ड कर दिया। हाँ, तो जितना आपने यहाँ से रोक दिया तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना आयनिक साइज या आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट हैं जो मेन फैक्टर हैं इसके। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट लिखना आपने, पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और विद इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, और सेकंड है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके सर। हाँ, अब इसमें ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, among the element B, L, C और SI, which has the highest ionization enthalpy? देखो इसे कैसे करना है आपने, पहले इसको देखो, कार्बन की होगी B, उसके बाद यहाँ C, फिर ये AL, फिर SI, तो कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? सर कार्बन। हाँ, तो कार्बन का राइट है, कार्बन। ठीक है, तो कभी भी पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना है उसे, देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ डिक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज, यानी कार्बन इज द राइट आंसर। और इसमें एक चीज और है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड होगा, तो ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। अगर कहीं पे हाफ फील्ड या फुली फील्ड होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा हो जाती है जो हाफ फील्ड होता है। 16 ग्रुप होता है हाफ फील्ड, नहीं 15th वाला। ओके सर, नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है और 16 होता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, है ना, क्योंकि हाफ फील्ड okay, है। पर यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल नहीं है, इसीलिए कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो okay, मेन रीजन का एक तो छोटा साइज होगा और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा जैसा भी हमने जो पॉइंट लिखे थे ना वही करेगा काम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके सर। हाँ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके बारे में डिटेल करो, तो एक बार इसको लिख के तैयार करो आप, कैसे कैसे आपको लिखना है, और इसके आगे के क्वेश्चन को देखो एक बार कि कौन सा आप क्या कर सकते हो इसमें, फिर आप जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें आ जाएगा कि क्या है। पहले आप अपने हिसाब से सोचो, क्योंकि जब आप किसी चीज को सोचोगे ना
तो आपके दिमाग में जगह बन जाती है, और जब कोई चीज बताई जाएगी तो तुरंत वो दिमाग में आ जाती है। तो पहले आपको सोचना है उसके बारे में। जब आप सोचोगे, जैसे ओके सर, क्वेश्चन है देखो, थैलियम और एल्युमिनियम में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है? ठीक है, सिमिलरिटी क्या है, और ये जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या हुआ है उसका? एक मिनट। हाँ हेलो, आ रही आवाज? यस सर, हाँ, तो अभी करता हूं मैं आपको, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? ओके सर।